हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिपन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले टाटा कंज्यूमर के बारे में, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। पर टाटा कंज्यूमर के साथ एक और शेयर्स के बारे में भी जानेंगे, रिलायंस के बारे में, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि हर एक टाइम हर एक चीज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो हो सके कि आपका पैसा मार्केट में और भी बनते हुए दिख सके, तो इसलिए पूरा टाइम दीजिएगा। अब चैनल नहीं सब्सक्राइब की तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं टाटा कंज्यूमर के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं उसकी चार्ट पैटर्न आज के दिन कितने पे ट्रेड करते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 802 रुपीज पे ट्रेड करते हुए दिख रही है। मार्केट में आज के दिन गिरावट, मतलब अच्छी खासी उतार चढ़ाव ऐसा, मतलब देख सकते हैं निफ्टी 50 में जिस तरीके से तेजी बनते हुए दिखी थी, मतलब उतार चढ़ाव बनते हुए दिखी है, थोड़ा उसी तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पर यहाँ पे लास्ट में रिकवरी होते हुए नहीं दिखी और यहीं पे वो चीज देखने को मिल सकता है, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर में रिकवरी होते हुए देखने को मिली है। ये तो बात की बात आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं टाटा कंज्यूमर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन 54.08% अच्छी खासी डिलीवरी बनते हुए दिख रही है। रिलायंस के भी बारे में बोला था, बात करूंगा तो उसके बारे में भी जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2566 रुपीज पे, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट, कितनी की गिरावट, तो 5% की गिरावट हो चुकी है, मतलब उस टाइम से। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिख जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिख रही है और अभी चांसेस पूरा बना रही है कि और डाउन जाएगी। अब कितनी डाउन तक जा सकती है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो देख सकते हैं कि अभी ये चांसेस जो अभी इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है राइट नाउ, उसको तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ब्रेक करते हुए दिख चुकी है। अभी यहाँ पे ये 500 को ब्रेक करते हुए दिख जाती है पूरा का पूरा, तब मजेदार, मतलब फिर से एक डाउन ट्रेंड को क्रिएट करते हुए दिखेगा और ये लास्ट में इसी पॉइंट पे जाके रुकेगा, क्योंकि ये इसकी बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंट है और रेसिस्टेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे देख सकते हैं हर बार कितनी ज्यादा, मतलब तेजी, मतलब 14 से 20% तक की तेजी बनाते हुए दिखती है। जस्ट हम लोग, मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ पे 16% तक की तेजी बनाते हुए दिखती है और फिर उसके बाद फिर से गिरावट बन जाती है। तो सबसे पहले आपको इस पार्ट पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करें तो ये होल्डिंग्स के साइड अगर हम लोग ध्यान देते तो यहाँ पे उतनी ज्यादा भी नहीं, पर हाँ ऐसा नहीं कि अच्छी खासी होल्डिंग्स ने, बहुत ही अच्छी खासी 49.53% अच्छी खासी होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है। अब क्यों मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर अच्छी खासी टक्कर देते देने वाली है रिलायंस को। अब क्यों, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि विस्लरी जो बहुत ही बड़ी ब्रांड है, अगर मिनरल वाटर की साइड बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, तो वो भी अब टाटा ग्रुप की तरफ से, मतलब टाटा ग्रुप की तरफ से ले एक्वायर कर लिया गया है। इनफैक्ट टाटा FMG सेक्टर में बहुत ही आगे बहुत तेजी से बढ़ रही है और यहाँ पे अगर वही चीज़ मान ले इसी की रणनीति में ध्यान दे तो रिलायंस भी कोई कम नहीं है। रिलायंस भी अपनी रिलायंस फ्रेश को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमस होते जा रही है। इनफैक्ट रिलायंस अपने से रिटेल सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली है, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है कुछ कहने लायक नहीं। BPL से बात करें, चाहे डिफरेंट कैलविनेटर की से बात करें, तो ये सारी कंपनीज भी एक्वायर करते हुए दिखी है रिलायंस और अच्छी खासी आपको फर्दर फ्यूचर में भी तेजी बनाते हुए दिखेगी। अब थोड़ा सा हम लोग टाटा कंज्यूमर के साइड मूव करते हैं और मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये शेयर के बारे में हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा है, करंट प्राइस भी कितनी है और यहाँ पे अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री ही है और यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाते हुए दिख रही है मार्केट में। अब यहीं पे बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो अच्छी खासी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रही है पुराने टाइम से, पर यहाँ पे एक चीज निराशा भरी बात क्या आती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उतनी भी अच्छी खासी नहीं बनते हुए दिख रही है। देखिए एक्वायर तो बहुत सारी चीज़ कर ली है, बहुत सारा चीज़ है, मतलब मार्केट में अच्छा फ्लो बना रही है, मार्केट में सेल्स भी अच्छा दे रही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कमी देखने को मिल रहा है। आप क्या कमी देखने को मिल रही है, यहीं पे बात करें सेल्स के साइड, तो सेल्स में लगातार तेजी है और यहीं पे एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिख रही है, वो भी अच्छी खासी बढ़ते हुए दिख रही है, तो जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी होते हुए दिख रही है। सेल्स माइनस, अगर हम लोग सेल्स और ऑपरेटिंग, मतलब एक्सपेंसेस पे ध्यान दें तो वहाँ पे हम लोग को पता चलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साइड में। यहाँ पे वही चीज़ बात करें तो, मतलब आप देख सकते हैं सेल्स माइनस एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं ना कहीं बहुत कम होते हुए दिखी। अब बहुत कम इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे हर एक कंपनी से पहले जितनी भी कंपनी में एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार ऊपर जाते हुए दिख रही है। यहाँ पे देखते हैं
483 2020 की बात करो यहाँ पे फिर 400, फिर उसके बाद कम कोविड केस को लेके बहुत सारी उतार चढ़ाव होते हुए थे, फिर देखते देख सकते 2021 413 यहाँ पे फिर से तेजी और फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी गिरावट बनते हुए दिखी थी, फिर उसके बाद अच्छी तेजी और अभी चांसेस बना रही थी कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पर चांसेस एक चीज का और भी हो सकता है, इसके बाद वाला जो क्वार्टर रिजल्ट आते हुए दिख सकता है उसमें अच्छी तेजी दिख सकती है। ये मैं बात करें फर्दर चीज के बारे में तो यहाँ पे अगर हम लोग डिप्रिसिएशन सब को हटाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत ही अच्छी तेजी है, तो इसलिए एक जगह पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये। अभी नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छी तेजी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद ही तो नेट प्रॉफिट आती है, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आपको जल्दी ही अच्छा फ्लो भी इसके चलते देखने को मिला है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें वन ईयर मतलब 5 ईयर्स में चले जाते देख सकते हैं कहाँ पे ये शेयर ट्रेड कर रही थी, अभी किस पॉइंट पे ये शेयर ट्रेड कर रही है, 1 ईयर पे देख सकते हैं किस पॉइंट से ये शेयर ट्रेड कर रही, तो अभी पूरा का पूरा चांसेस बन सकता है कि आपके हाथ में शेयर्स आ सकती है, प्रॉफिट गेन करने में कोई भी कमी नहीं छूटेगा। अगर हम लोग और भी आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पहले ध्यान दे देते तो ईयरली वाइज में तो देख सकते हैं हर चीज़ में तेजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, अभी तक तो अच्छा है और आगे भी मतलब अभी 3 मंथ्स बाकी है तो यहाँ पे उसमें भी चेंजेस होते हुए दिखेगी और उसमें भी प्रॉफिट बनते हुए दिखेगी। अब टोटल लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी मतलब ये तो बैलेंस शीट है तो आपको पता है बैलेंस और ये सारी चीज सेम होती है। बोरोइंग सबके साथ साइड बात करें या शेयर कैपिटल के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं लगातार एक सेम तरीके से बनते हुए दिखा है, यहाँ पे बीच में तेजी बनते हुए दिखी थी पर कोई दिक्कत की बात नहीं, शेयर बेहतरीन है आपको आराम से पैसा लगा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के साइड मूव करें तो यहाँ पे देख सकते शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छी खासी थी, मतलब प्रमोटर्स के साइड कोई कमी होते हुए नहीं दिख रही, प्रमोटर्स से अच्छी खासी मेंटेन है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो अच्छी खासी मेंटेन है, इनफैक्ट ऊपर से तेजी भी बनते हुए दिखी है तो वो भी अच्छी बात है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साइड मूव करें तो उसमें भी तेजी है, तो थोड़ी ही तेजी पर अच्छी बात है कि तेजी बनते हुए दिखी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में भी ठीक है, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के साइड से कोई दिक्कत होते हुए नहीं दिखी है, शेयर्स अच्छी है पैसा कमा सकते हैं। अभी इसके सपोर्ट सबके बारे में जान लेते हैं कि सपोर्ट जानना क्या कितनी जरूरी है। यहीं पर अगर बात करें तो ये शेयर 770 के नीचे आते हुए दिखती है तब थोड़ी सी दिक्कत की बात है, क्योंकि अभी निफ्टी अपना डाउन ट्रेंड को फॉलो किए और पर ये सारी शेयर्स में रेवेन्यू बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, रेवेन्यू तो पूरा बनाते हुए दिखेगी ये शेयर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आप लोगों को वरीड नहीं रहना है, पैसा लगा सकते हैं। अब इसकी टारगेट कितनी तक जा सकती है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक पॉइंट पे ही बोल सकते हैं 52 वीक हाई पे मेंटेन की हुई है, अभी अपने आप को वही स्टेज पे है, अभी चांसेस रह सकती है कि ये अगर 850 क्रॉस करती है तो उसके बाद मैं फिर से एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, पर अभी तक आप टारगेट रख सकते हैं 850 तक का। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं, इनफैक्ट वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माय बेल आइकन।